ओम शांति। हम सभी एक यात्रा पर हैं। कभी हम कोई ग्रुप में जाते हैं सचमुच एक यात्रा पर, कभी किसी ग्रुप में, कभी बिजनेस का ग्रुप, कभी जस्ट घूमने वालों का ग्रुप, कभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और तब हमें मालूम पड़ता है इनकी आदतें क्या हैं। हमारे में से कोई बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ बहुत परफेक्टली करनी है, मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से करना है, हाईली परफेक्शनिस्ट। लेकिन दूसरे जो है दे आर नॉट हाईली परफेक्शनिस्ट, उनको ठीक है, जैसा भी चला चल जाता है। अभी हमने उस ग्रुप के हिसाब से उनको एक मैसेज, आज का प्रोग्राम का मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए दिया और उन्होंने एक मैसेज गलती से कल के प्रोग्राम वाला डाल दिया। ओके, अभी क्या हुआ, जिसने मैसेज बहुत अच्छा बनाया था फट से रिएक्ट किया, गुस्सा हो गए, अरे हमने कितनी मेहनत से आज के पूरे दिन का मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाया और आपने तो कल वाला डाल दिया, अब भूल गए। दे आर नॉट परफेक्शनिस्ट। रिएक्ट करना, गुस्सा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? नहीं ना। तो करना क्या चाहिए? ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसा बहुत जगह पर होता है। अरे कई बार जनरेशन गैप हो सकती है, मैसेज तैयार करने वाले यंगस्टर्स हैं, कई बार मैसेज फॉरवर्ड करने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, देर कैन बी जनरेशन गैप। अच्छा चलो, जनरेशन गैप भी नहीं हो सकती है, लेकिन ये तो देखो, मुझे सिर्फ मैसेज तैयार करना है, इतना ही काम मेरे पास है, लेकिन उनको सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, उनको तो और भी बहुत सारे काम है, वो स्ट्रेस में हो सकते हैं। अच्छा वो भूल भी गए हैं ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। गुस्सा करने के बजाय हम धीरज शांति से काम ले सकते हैं। धीरज शांति बहुत बड़ी दवा है। धीरज और शांति हमारे रिश्तों को बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा कई बार ऐसा होगा किसी को आपको ना बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। कई बार हम क्या कहते, इनको ना 7-8 बार को तब इनको समझ में आता है, इनको 7-8 बार कहना ही पड़ता है, इट्स ओके। लेकिन वो रिश्ता अच्छा है ना, वो आत्मा अच्छी है ना, वो देखो ना। अरे किसी के अंदर वो मेमोरी की जो शक्ति होगी थोड़ी कम हो सकती है, वो बहुत सारी बातों से बिजी हो सकते हैं, या शायद उनको उस बात की प्रायोरिटी नहीं है, जो भी है चलो। लेकिन अगर मैंने उनको कई बार रिमाइंड कराया लेकिन काम तो किया ना, लेकिन उसमें मुझे नेगेटिव होने की, गुस्सा होने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तो क्यों नहीं एक अच्छी आदत हम अपने अंदर डालें। चलो रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे होता है, मेरे जैसे परफेक्शनिस्ट दूसरे नहीं हैं, हमारी जैसी पंक्चुअलिटी दूसरे में नहीं है, ओके, हमारे जैसी एक्यूरेसी दूसरे में नहीं है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इग्नोर कर दो ना, थोड़ा एडजस्ट करो ना, थोड़ा धीरज और शांति से चलो ना, उनको स्वीकार करो ना, वो बहुत अच्छी आत्मा है, अरे वो काम तो कर लेंगे ना, लेकिन उनको वो जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने से हमारा काम तो हो जाएगा। बट वाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी इन क्रिएटिंग नेगेटिव थॉट्स, राइट? तो चलो यूज करो इन दो गुणों को, धीरज शांति बहुत बड़ी शक्ति है अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। हैप्पी डे।